गनी हो अस्पताल में एक मेहरारू भेटली है बेचारी मुहा छुआ के ले गई है बुला के आशा वाली हो जगदीशपुर के। हाँ जगदीशपुर के है डीए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। सिवान जिले के गोरिया कोठी के जामो बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को संध्या एक महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल कर्मियों के द्वारा महिला को व्यवस्था नहीं होने पर दूसरे अस्पताल में जाने को कहा गया। आरोप है कि महिला जब नहीं गई तो उनके साथ बदसुल्की किया गया और धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया, जहां महिला भी सड़क पर जाकर बच्चों को जन्म दी। बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के माजा प्रखंड के पाथरा गांव के आजाद हुसैन की पत्नी सायरा खातून, जो अपने मायके बरौली प्रखंड के मोहम्मदपुर नीलामी गाँव से जामू बाजार इलायची से संबंधित कुछ कार्य के लिए आई थी, इसी दौरान पेट में दर्द होने पर किसी के बताने पर जामू अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल कर्मियों ने दर्द का दवा और पानी का बोतल चढ़ाई गई, जिसके एवज में उनसे 1,000 रुपया लिया गया। इधर देर शाम तक अस्पताल में डिलीवरी की व्यवस्था न होने व महिला की परेशानी और बढ़ने के कारण अस्पताल कर्मियों ने दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला गया। महिला के साथ कोई नहीं था और बार बार अस्पताल कर्मियों द्वारा दूसरे अस्पताल जाने के लिए बोला जा रहा था। जब महिला नहीं गई तो अस्पताल कर्मियों ने महिला के साथ बदसुल्की कर अस्पताल परिसर से धक्का देकर बाहर निकाला गया। महिला को बाहर निकलने के महिला रोते हुए दर्द से परेशान महिला पैदल ही घर जा रही थी। महिला अभी अस्पताल से 100 मीटर के ही दूरी जामो बाजार के माझी बरौली रोड दलित बस्ती के समीप ही पहुंची थी कि बीच सड़क पर महिला गिर गई और बीच सड़क पर ही महिला ने बच्चे का जन्म दे दिया। हालांकि इस दौरान दलित बस्ती की कुछ महिलाएं ने प्रसूता के सड़क किनारे ले जाकर प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके कारण माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित थे। स्थानीय लोगों ने महिला के घर वालों को खबर दिए, जिसके बाद महिला के मायके वाले ने पहुंचकर महिला को घर ले जाकर चले गए। इस तरह के शर्मनाक घटना के बाद स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए और अस्पताल के परिसर जाकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी जम कर किए तथा स्थानीय मुखिया सबिता सिंह के नेतृत्व में अस्पताल में तालाबंदी कर जम कर प्रदर्शन किया गया। स्थानीय मुखिया ने कही कि जब इस तरह के मामले की जांच नहीं होता, दोषी पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक यहाँ इलाज नहीं होगा और समुचित व्यवस्था नहीं होता तब तक अस्पताल में तालाबंदी लगा रहेगा। लोगों का कहना है कि 2 साल पूर्व भी काफ़ी संघर्ष करने के बाद लगभग 125 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। कोई एमबीबीएस डॉक्टर ना ही कोई दवा रहता है न एम्बुलेंस है। एक एएनएम सीमा कुमारी के पदस्थता हुई है, जो कभी कभार रहती है, दिन में कभी कभी खुलता है, शाम होते ही हॉस्पिटल में ताला लग जाता है। रात में इमरजेंसी कैसे आती है तो उनको मजबूरन गोरिया कोठी या सिवान ले जाया जाता है। कई सीरियस मरीज तो सिवान जाने के क्रम में ही रास्ते में दम तोड़ देते हैं। कुछ और लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में बना डॉक्टर आवास में जामू थाना के कुछ पुलिसकर्मियों को पिछले 6 महीना से कब्जा जमाए हुए हैं। क्या आपको बजट कम होने की वजह से बढ़िया फोन लेने में हो रही है दिक्कत? तो अपने भररिया में बिहार टेलीकॉम दे रहे हैं फाइनेंस सुविधा। जी हाँ, बिहार टेलीकॉम से आप सैमसंग फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की सुविधा के साथ ले सकते हैं आप ब्रांडेड फोन, वो भी आसान किश्तों में। हम सभी तरह के मोबाइल फोन में डील करते हैं। अपना पसंदीदा मोबाइल फोन लेने के लिए आज ही संपर्क करें बिहार टेलीकॉम भररिया सिवान 9631692917 9006904950।